आईएसआईएस की नई मैगजीन में भारत के खिलाफ खौफनाक प्लान सामने आया है। मैगजीन में बाबरी मस्जिद में बदला लेने की धमकी दी गई है, भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर किए गए। पंजाब के फिरोजपुर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। कश्मीर के पुलवामा में सेना की दरिया दिली का वीडियो सामने आया, जिसमें सेना आतंकी की मां से आतंकी को सरेंडर की अपील कर रही। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग और हुई भीषण, रूस की सेना पहुंची काराबाख, आर्मेनिया के साथ है रूस। TV9 भारतवर्ष पर नागोर्नो काराबाख की उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हमारे खिलाफ पाकिस्तान के भाड़े के आतंकी लड़ रहे हैं जंग, अजरबैजान और पाकिस्तान की है मिलिट्री डील। आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान के साथ सीरिया और लीबिया के जिहादी, तुर्की भी दे रहा अजरबैजान का साथ, सामने आए सबूत। आर्मेनिया में जंग के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीर, मिसाइल अटैक के बावजूद चर्च में प्रार्थना के लिए उमड़े लोग, 2 बार चर्च पर मिसाइल से हो चुका है हमला। ओडिशा की मलकानगिरी में नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया, BSF ने 7 ID को डिफ्यूज किया। देश को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, लॉकडाउन खत्म हुआ लेकिन वायरस अभी मौजूद है, वैक्सीन पर काम जारी। पीएम मोदी ने फिर से दोहराया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सभी के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना जरूरी। देशवासियों को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के संपन्न देशों की तुलना में भारत में रिकवरी रेट अच्छा, देश में बढ़ते टेस्ट हमारी ताकत। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।